नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2020 तक का। नीच के गुरु की उच्च के चंद्र पर दृष्टि है। देश में हालात में सुधार होगा, व्यापार उत्तम रहेगा, किराना वैवाहिक खरीदारी तेज रहेगी, सेंसेक्स में तेजी रहेगी, सोना एवं चांदी सस्ता हो सकता है, शत्रु देश का प्रभाव कम होगा। एक बात जानते हैं, चंद्र को रोहिणी नक्षत्र प्रिय क्यों है? चंद्र लगभग एक माह में 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। यह 27 नक्षत्र ही इसकी पत्नियां कहलाती हैं। इनमें से चंद्र को रोहिणी नक्षत्र इसलिए अधिक प्रिय होता है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते समय चंद्र अपनी उच्च राशि वृषभ में रहता है। इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार धारण किया था क्योंकि वह चंद्र वंश के थे। मेष राशि। द्वितीय चंद्रमा आय को बेहतर बनाएगा एवं अनिश्चितता को समाप्त करेगा। विवादित मामलों के हल होंगे एवं परिवार से सुख प्राप्त होगा। कोई काम बिगड़ने के आसार नहीं हैं। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी। गुप्त शत्रु द्वारा उत्पन्न दिक्कत को दूर करने में सफल होंगे। शुक्र एवं शनिवार को सतर्क रहना होगा। संवाद की कमी एवं गलत फहमियों के कार्य में बाधा आ सकती है। प्रोफेशन में अधिकारियों को प्रसन्न करने में सफल होंगे एवं व्यापार में तरक्की होने के आसार हैं। शिक्षा में कक्षा में उपलब्धि मिल सकती है। पढ़ाई में आगे बने रहेंगे। स्वास्थ्य में सरदर्द एवं तनाव की समस्याएं होंगी। पेट में दर्द होगा। प्रेम में प्रेमी साथी से तनाव समाप्त होगा एवं वैवाहिक संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। श्री राम नाम का 108 बार जाप करें। वृषभ राशि। गुरु की दृष्टि एवं चंद्र का गोचर है। धार्मिक कार्यों में रुचि होने के साथ धन की प्राप्ति होगी। विरोधियों का बल कमजोर होगा। आज रविवार से मंगलवार तक हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बुध एवं गुरुवार बहुत अच्छे बीतेंगे। आय बढ़ेगी एवं संचित धन में वृद्धि होगी। शेष दिन सामान्य से अच्छे रहेंगे। पुराने ऋण की पुनः वापसी हो सकती है। किसी को यदि कर्ज दिया है तो वो वापस मिल सकता है। अहंकार उत्पन्न हो सकता है। प्रोफेशन में कारोबारी यात्रा का योग है। नौकरी में लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। शिक्षा में प्रोजेक्ट सफल होंगे एवं मित्रों से मदद प्राप्त होगी। शिक्षक प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य में दांत एवं हाथों के पंजों में समस्या हो सकती है। नींद भी अधिक आएगी। आलस्य बना रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से मामूली विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य व्यतीत होगा। श्री शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें। मिथुन राशि। चंद्रमा द्वादश होने से आरंभ में कुछ कठिनाई होगी। अनावश्यक व्यय की अधिकता एवं कार्य में रुकावट बनी रहेगी। बुधवार की सुबह से स्थितियों में सुधार होगा लेकिन जल्दबाजी करने का स्वभाव बन सकता है जो नुकसानदायक होगा। संपर्कों का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्वयं की मेहनत पर ही विश्वास रखना होगा। सप्ताह अंत में सुखद समाचार ज्ञात होंगे। आय में भी वृद्धि होगी। प्रोफेशन में कारोबार व्यवस्थित रहेगा एवं नौकरी में अपेक्षा से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। शिक्षा में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी आगे रहेंगे एवं सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में दर्द हो सकता है। वायु विकार से भी कठिनाइयां होंगी। जोड़ों में दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से संबंधों में सुधार होगा एवं वैवाहिक माधुर्य बना रहेगा।
श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन करें। कर्क राशि, काम की अधिकता रहेगी एवं आय भी अच्छी बनी रहेगी। हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यात्रा पर जाने का योग भी बन सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्र के द्वादश होने से कुछ कठिनाई भी आ सकती है। आय में कमी के साथ अनावश्यक व्यय होंगे, किंतु शुक्रवार के बाद पुनः सफलताएं बढ़ती जाएंगी। सप्ताह अंत में प्रसन्नता प्रदान करने वाली खबरें प्राप्त होंगी। किसी मांगलिक उत्सव में भी शामिल होना पड़ेगा। प्रोफेशन में कर्मचारियों की समस्याएं समाप्त होगी एवं नौकरी में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। शिक्षा में पढ़ाई के अलावा ध्यान, योग एवं ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। अध्ययन बेहतर ढंग से होता रहेगा। स्वास्थ्य में गुप्त समस्याएं हो सकती हैं, पुराने रोग भी उभर सकते हैं। प्रेम में रूठे साथी को मनाने में सफल होंगे एवं वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। श्री हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाएं। सिंह राशि, शुक्रवार की दोपहर एवं शनिवार को पूर्णतः सचेत रहें। बाहरी लोगों से सावधान रहें एवं कीमती सामान की रक्षा करें। घर को अकेला नहीं छोड़ें। शेष दिनों में अच्छी आय एवं प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। बुध एवं गुरुवार को अटका धन प्राप्त होने के योग हैं एवं आय में भी वृद्धि होगी। कार्य समय पर संचालित होंगे एवं मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में अनजान व्यक्तियों से सचेत रहें एवं नौकरी में अधिकारी सख्त हो सकते हैं। शिक्षा में योजनाएं सफल होंगी एवं लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। स्वास्थ्य में त्वचा एवं कमर में समस्याएं हो सकती हैं। मूत्र विकार भी हो सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा एवं जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। शनिवार को पीपल में पश्चिम मुख होकर घी का दीपक लगाएं। कन्या राशि, आज रविवार को एवं कल सोमवार संभल कर रहने का होगा। विवादों से बचें एवं संभल कर रहें। मंगलवार से राशि प्रबल हो जाएगी। सुख एवं वैभव की प्राप्ति होगी। खुश करने वाले समाचार मिलेंगे एवं तनाव समाप्त होगा। सर्वत्र विजय प्राप्ति के साथ धार्मिक कार्यों से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। गुरु एवं शुक्रवार को कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। आय में वृद्धि के साथ नए कार्यों की प्राप्ति भी होगी। प्रोफेशन में व्यापार में वृद्धि एवं नौकरी में प्रशंसा प्राप्त होगी। शिक्षा में कक्षा में बेहतर करने में सक्षम होंगे एवं कुछ उद्यमी भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में समस्या के साथ त्वचा में भी तकलीफ हो सकती है। कोई स्किन प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। प्रेम में साथी का साथ मिलेगा, प्रेमी साथी का साथ मिलेगा एवं नए मित्रों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। श्री महालक्ष्मी को कमल पुष्प या सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पण करें। तुला राशि, आरंभ अच्छा होगा। आय वृद्धि के साथ सहयोग की अपेक्षा सफल होगी। यात्राएं सफल होंगी एवं नए कार्य की प्राप्ति भी होगी। मंगलवार एवं बुधवार को कार्यों में बाधा एवं अनावश्यक परेशानी के साथ व्यय भी होगा। पड़ोसियों से विवाद भी हो सकता है। गुरुवार से समय पक्ष का हो जाएगा। कार्य वृद्धि के साथ प्रसन्नता की प्राप्ति भी होगी। नए लाभप्रद संपर्क प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में व्यापार सामान्य से अच्छा रहेगा एवं नौकरी में अधिकारी आपके ऊपर भरोसा करेंगे। शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे अंक मिलेंगे।
पढ़ाई में सुधार बना रहेगा। स्वास्थ्य में कब्ज एवं पाइल्स की समस्याएं हो सकती हैं, संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी। प्रेम में अवांछित तत्व प्रेम में बाधा उत्पन्न करेंगे एवं वैवाहिक जीवन सामान्य व्यतीत होगा। श्री शिव जी को बिल्व पत्र एवं नारियल अर्पण करें। वृश्चिक राशि, विरोधियों को दबाने में सफल होंगे, फिर भी मन उदास रह सकता है, अनावश्यक चिंताएं रहेगी। मंगलवार अच्छा दिन रहेगा, किंतु बुध एवं गुरुवार को समस्याएं आ सकती हैं। स्वभाव में क्रोध रहेगा एवं आय कम होगी, कार्य में बाधाएं भी आएंगी। शुक्रवार से समय पक्ष का हो जाएगा एवं शनिवार को परिवार के साथ वक्त व्यतीत होगा, योजनाएं भी सफल होगी। प्रोफेशन में नौकरी में तरक्की एवं अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, व्यापार उन्नत होगा एवं नए सौदे प्राप्त होंगे। शिक्षा में अध्ययन व्यवस्थित रहेगा एवं कक्षा में प्रदर्शन अन्यों की अपेक्षा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में कमर में एवं नसों का खिंचाव हो सकता है, त्वचा संबंधी समस्याएं भी होगी। प्रेम में प्रेम प्रस्ताव यदि प्रकट करेंगे तो उसमें निराशा मिल सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव बन सकता है। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। धनु राशि, संतान से सहयोग एवं खुशी की प्राप्ति होगी, कार्य में सफलता एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नए कार्य करने का मन होगा, किंतु अभी निवेश से बचना होगा, किसी पुराने कार्य में सफल हो सकते हैं। योजनाएं सफल होंगी, आय भी अच्छी बनी रहेगी। शुक्रवार एवं शनिवार को विवादों से बचना होगा एवं वाहन चालन में सावधान रहना होगा। कार्य में लापरवाही भारी पड़ सकती है, अतः संभल कर रहें। प्रोफेशन में व्यापार में लाभ वृद्धि के साथ नौकरी में लक्ष्य प्राप्ति होगी एवं प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। शिक्षा में विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के मौके मिलेंगे, आलस्य से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में सीधे हाथ में खिंचाव या दर्द हो सकता है, दाढ़ में दर्द होने की संभावना है। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा एवं वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। श्री गणेश जी को दुर्वा एवं दूध का भोग लगाएं। मकर राशि, आरंभ कठिनाई के साथ होगा, अपेक्षित सफलता मिलने में बाधाएं आएंगी। कार्य के प्रति मन उदास रह सकता है, मंगल की शाम से समय पक्ष का हो जाएगा, राजपक्ष से लाभ होगा एवं धन की आवक उत्तम होगी। अटका धन प्राप्त होने के योग हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी एवं हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिज्ञों को कोई पद लाभ हो सकता है, महिलाओं के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है। प्रोफेशन में व्यापारिक यात्रा हो सकती है, बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा में परिश्रम से सफलता मिलेगी एवं खुशी की प्राप्ति होगी, पढ़ाई अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आँखों हाथ के अंगूठे एवं नाखूनों में चोट लगने का भय है। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी एवं वैवाहिक जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी। श्री हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं। कुंभ राशि, आरंभ अच्छा होगा, कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बुधवार एवं गुरुवार को पिता पुत्र विवाद हो सकता है, छुपी बातें प्रकट हो सकती हैं, अभिमान के कारण अन्यों का अपमान भी आप कर सकते हैं, व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी। शुक्रवार से आय में सुधार होगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ सकती है,
परिवार प्रसन्न रहेगा, मन में शांति एवं कार्य में संतोष होगा। प्रोफेशन में कारोबार में तेजी रहेगी एवं नौकरी में कुछ विवाद हो सकते हैं। शिक्षा में अध्ययन व्यवस्थित रहेगा एवं शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में कफ की अधिकता होने की संभावना है एवं सर्दी जनित रोग होंगे। श्वास की समस्या भी हो सकती है, ठंडे पानी में जाने से बचें। प्रेम में प्रेम प्रस्ताव अगर आप प्रकट करने जा रहे हैं तो वो सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। मीन राशि। चंद्र द्वितीय होने से आनंद की प्राप्ति होगी एवं वैभव में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। मंगलवार एवं बुधवार को आलस्य बना रहेगा एवं संतान एवं भाइयों से सुख प्राप्त होगा। नए कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे। शुक्रवार की दोपहर से एवं शनिवार को विवाद होने की संभावना है, संभल कर रहें। इस दौरान में आय भी कम बनी रहेगी, विरोधी भी हावी होने का प्रयास करेंगे। प्रोफेशन में नौकरी में तरक्की एवं कारोबार में वृद्धि के साथ नए संपर्क लाभकारी होंगे। शिक्षा में अधूरे कार्य पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में सभी सहपाठियों से आगे रहेंगे। स्वास्थ्य में पैर में दर्द होगा एवं फेफड़े संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से मधुर संबंध रहेंगे एवं नए मित्र भी मिलेंगे। वैवाहिक रिश्ता मजबूत बना रहेगा। श्री गोविंद नारायण वासुदेव नाम का उच्चारण 108 बार करें। Instafeed.